इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार की एक बात है कि छोटे से राज्य में महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी और बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। उस राज्य का राजा बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और दुखी होकर, क्योंकि उसने सारी चीजें वो की, तो वो राजा दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तो उसी वक्त आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज आई कि हे राजन, जो तुम्हारे राज्य में कुआ है, खाली कुआ, हर अमावस्या की रात में उसमें एक एक बाल्टी एक एक दूध डालो हर घर से, तो अगले दिन तुम्हारे राज्य से महामारी खत्म हो जाएगी। तो ये सुनते ही राज्य का जो राजा था, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब हर आदमी अपने घर से एक एक बाल्टी दूध लेकर आएगा और अमावस्या की रात में उस कुएं में डाल देगा। ऐसा ही होता रहा। पर दोस्तों हुआ क्या कि एक उस राज्य में एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी सयानी औरत रहती थी। तो उसने सोचा कि दूध की जगह अगर एक बाल्टी पानी डाल दूं, किसी को पता तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे भी सब लोग दूध डाल रहे हैं और दूध में पानी मिला देंगे तो हमें तो पता चलेगा नहीं और काम भी हो जाएगा। तो वो ऐसा ही करती थी। तो वो हर रात में कुएं में जाकर वो दूध की जगह एक बाल्टी पानी डाल देती। तो दोस्तों बहुत समय हो जाने के बाद भी वो महामारी खत्म नहीं हुई और इस बात से राजा चिंतित होकर उसके कारण का पता लगाने वो कुएं के पास गया, ये देखने कि ऐसा क्यों हुआ। कि आकाशवाणी तो ये हुई थी कि हर अमावस्या के दिन उसमें एक एक बाल्टी दूध डालना है और सभी लोग ऐसा कर रहे थे, फिर भी महामारी खत्म नहीं हुई। तो जब वो कुएं के पास जाके देखा, उसने तो देखा कि पूरे कुएं में पानी पानी है, दूध का एक कतरा भी नहीं था दोस्तों। तो वो ये देख के हैरान हो गया और जबकि वो ये सोचने लगा कि जबकि मैंने घोषणा ये की थी कि दूध डालना है और सभी लोगों ने एक एक बाल्टी पानी डाल दिया। हुआ क्या कि उस जो बूढ़ी औरत के जैसे ही बाकी लोगों ने भी सोचा कि अगर हम भी पानी डाल देंगे तो दूसरे तो दूध डाल ही रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी जब भी हम अगर मिलजुल के काम करते हैं तो हम अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि दूसरा तो कर ही लेगा और स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि हमें दूसरों की परवाह किए बिना हमें अपनी जो जिम्मेदारी हमें मिली होती है उसको हमें पूरी तरीके से अगर हम निभाएंगे, जो हमारे काम से बदलाव आएगा, हो सकता है उस छोटी सी बदलाव के छोटी सी सोच बने और छोटी सी सोच से एक बड़ा बदलाव हो और दूसरे लोग उसको देख कर खुद भी बदल जाए। तो दोस्तों इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीख मिलती है तो कमेंट कीजिए और दोस्तों आप भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। दोस्तों मैंने अपनी मेल आईडी अपने लिंक के नीचे दी हुई है, आप मुझे अपनी कहानी मेल कीजिए। अगर आपकी कहानी रोचक होगी तो मैं जरूर उसको अपने चैनल पे यूट्यूब में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें चैनल से।